हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेल्फोर्स लर्निंग चैनल। आज का जो टॉपिक होगा मैं आपको बताऊंगा रिपोर्ट। रिपोर्ट के पहले तो बताऊंगा कि रिपोर्ट होती क्या है, ठीक है, रिपोर्ट के टाइप कितने होते हैं, ठीक है, और कैसे रिपोर्ट हम क्रिएट करते हैं और क्या क्या फिल्टर हम रिपोर्ट के ऊपर यूज कर सकते हैं, वो सारी चीजें आज के टॉपिक में हम क्लियर करते हैं, ठीक है। फर्स्टली आपको मैं बता देता हूँ रिपोर्ट होती क्या है। रिपोर्ट जो होती है, मान सकते हैं कि रिपोर्ट जो है वो डाटा को स्टोर करके रखती है रो एंड कॉलम में, या फिर आप कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस, ठीक है। अब रिपोर्ट जो होती है मेरी चार तरह की होती है। पहले आती है टेबुलर रिपोर्ट, सेकंड आती है समरी रिपोर्ट, थर्ड आती है मेरी मैट्रिक्स रिपोर्ट और फोर्थ आती है मेरी ज्वाइंट रिपोर्ट, ठीक है। रिपोर्ट बनाने से पहले आपको रिपोर्ट बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। फर्स्टली आपको जाना है सेल्सफोर्स के अकाउंट पे, ठीक है। उसके बाद आपको जिस सब्जेक्ट की रिपोर्ट बनानी है उसकी पहले यहाँ पे हम सेटिंग पे जाएंगे, देन यहां से जाएंगे हम व्यू फील्ड। जैसे ही मैंने व्यू फील्ड पे टिक किया, देन आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस चीज को क्या करना है, एडिट। यहां से क्या करना है, एडिट। एडिट पे जैसे ही टिक किया, देन आपको नीचे आना है। जब तक आप ये इस ऑप्शन पे टिक नहीं करोगे, इस वाले पे, तब तक आप क्या कर सकते हो, उस ऑब्जेक्ट की रिपोर्ट नहीं बना सकते। तो यहां से मैंने टिक कर दिया इस ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। टिक करने के बाद आपको क्या कर देना, सेव कर देना। तो इसी तरह से आपको तीनों ऑब्जेक्ट की रिपोर्ट बनानी है, तो तीनों पे यहाँ पे सेटिंग पे जाके तीनों ऑब्जेक्ट पे यहाँ पे टिक करना। तो सेकंड वन मेरा था इनवॉइस, तो इनवॉइस पे भी यहाँ पे गया और व्यू फील्ड पे गया। व्यू फील्ड के बाद मैंने एडिट किया ऑब्जेक्ट को। जैसे मैं एडिट करूंगा, एडिट करने के बाद आपको जाना है, एडिट किया, एडिट करने के बाद आप आते हैं नीचे, आ जाना नीचे। यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, इस ऑप्शन पे टिक कर देना है अलाउ रिपोर्ट। अलाउ रिपोर्ट पे टिक कर दिया, ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट का हो गया। आप तीसरे वाले का चाहिए तो तीसरे वाले पे भी मुझे जाके वहां पे चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे यहां से गया, देन मैं यहाँ व्यू फील्ड पे गया। व्यू फील्ड पे जाने के बाद मुझे यहाँ से जाके एडिट करना होगा इस चीज को भी, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया, एडिट कर लिया। एडिट करने के बाद आप क्या कर सकते हो, नीचे आना आपको, देन यहाँ से क्या करना है, जो अलाउ रिपोर्ट इस पे ऑलरेडी टिक होके रखा हुआ है, तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, सेव कर दिया, ठीक है। अब यहां तक तो हमारा काम क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है, रिपोर्ट वाले फोल्डर पे टिक करना है। रिपोर्ट पे टिक किया दिया आपने, ठीक है। रिपोर्ट पे टिक करने के बाद आपको जाना है न्यू रिपोर्ट, ठीक है, ठीक। अब न्यू रिपोर्ट बनाने से पहले मैं ये बता देता हूं, जो ये आपका इतना आ रहा है ना, इतना ये आपका सारा ही स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट की रिपोर्ट का है, ठीक है। जो अदर का अदर रिपोर्ट दिखता है, वो अदर रिपोर्ट किसका होता है, वो आपका होता है सेल्सफोर्स के कस्टम ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो फर्स्टली पहले क्या होता है, रिपोर्ट पे हमें एक फोल्डर क्रिएट करना है। तो फोल्डर कैसे क्रिएट होता है रिपोर्ट पे, आपको यहां से जाना है, यहाँ पे चेक करना है न्यू रिपोर्ट फोल्डर। यहां से मेरा रिपोर्ट का फोल्डर क्रिएट होगा। अब मैं चाहता हूं कि मेरे अपना नाम का एक फोल्डर बन जाए, तो मैंने बोला कि राजेश नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो जाए, ठीक है। यहां से मैंने फोल्डर को सेव कर दिया। अब ये मेरे नाम का फोल्डर यहाँ पे आपको दिख जाएगा, साइड में जाके राजेश नाम का फोल्डर आपको यहां से दिख गया। यहाँ पे टिक करोगे तो आपको उसकी शेयर करना है, किसके साथ शेयर करना है, यहाँ से चूज कर सकते हो। अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ से क्या किया, न्यू रिपोर्ट पे टिक कर दिया, ठीक है। जैसे आप न्यू रिपोर्ट पे टिक करते हो, अगर आपको स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट की रिपोर्ट चाहिए तो ये सारे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट की रिपोर्ट है। तो यहाँ पे किसी पे भी टिक करोगे तो वो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट की रिपोर्ट आपके सामने दे देगा। बट हमें किस पे काम करना है, कस्टम ऑब्जेक्ट पे। कस्टम ऑब्जेक्ट हमेशा अदर पे रहते हैं। जैसे ही ना आपने अदर पे टिक कर देते हो, तो यहाँ से ये सारे तीनों ये ऑब्जेक्ट का डाटा यहाँ से मैंने क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया, ठीक है। और यहां से मैंने कर दिया नो थैंक्स। देन आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको जो जो चाहिए चीजें वो आपसे यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। जैसे कि मुझे प्राइस चाहिए, ठीक है, प्राइस आ गया। जैसे कि मुझे और क्या चाहिए, आपको प्राइस चाहिए, प्राइस के साथ आपने बोल दिया कि कस्टमर आईडी भी चाहिए आपको, ठीक है। कस्टमर आईडी आपने उठाई और यहाँ पे रख दी, ठीक है। कस्टमर आईडी के साथ साथ आप क्या चाहते हो, नंबर भी चाहिए आपको, कितने नंबर हैं, कितनी क्वांटिटी है, ये चेक करना चाहते हो। जो जो फील्ड आपको चाहिए वो यहाँ से चूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे फ्रैंक इकट्ठी कर ली।
अब ये क्या है, ये आपकी फील्ड का बताते हैं। अगर मैं ऑल पे टिक करता हूँ मुझे सारी फील्ड दिखेंगी, ए टू जेड जितनी भी फील्ड होगी सारी फील्ड यहाँ दिख रही होंगी, आप देख सकते हो। अगर मैं इस वाले पे टिक करता हूँ, इस वाले ऑप्शन पे, तो मुझे क्या होगी, बस तीन ऑब्जेक्ट की डिटेल दिखेगी, इनवॉइस, कस्टम ऑब्जेक्ट और इसकी, ठीक है। बस उसकी कौन कौन सी डिटेल दिखेगी, अगर मैं इस पे टिक करता हूँ तो मुझे बस उसके जो मेरे टेक्स के फॉर्मेट में होंगे या रोल क्रिएटेड वगैरह सबकी उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी। लास्ट डेट, लास्ट मॉडिफिकेशन डेट कब हुई थी, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को ओनर आईडी क्या है, ठीक है, एलियास क्या है, ओनर नेम क्या है, ठीक है, ये सारे यहाँ से दिख जाएगा इस वाले। अगर मैं सेकंड वाले पे टिक कर देता हूँ तो जो भी मैंने टेक्स फॉर्मेट टेक्स में यूज किया होगा, जैसे कि जो भी मैंने डाटा टाइप यूज किए होंगे, जैसे कि मैंने नंबर यूज किया था, प्राइस के लिए करेंसी यूज किया था, वो सारी चीजें आपको यहाँ से दिखे। अगर इस वाले पे टिक करते हैं तो ये डेट से रिलेटेड क्रिएटिव डेट क्या थी, लास्ट मॉडिफिकेशन डेट क्या थी, ठीक है, उससे रिगार्डिंग आपको यहाँ पे दिखाता है। मैंने क्या कर दिया, ऑल पे टिक कर दिया। देन आपको यहाँ से क्या करता है, ये फिल्टर दिखाता है। देखो फिल्टर का काम क्या होता है, यहाँ इसमें सेल्सफोर्स में पहले आता है फील्ड फिल्टर। फील्ड फिल्टर का काम क्या होता है कि जैसे कि मैं फिल्टर लगाना चाहता हूँ कि मेरी रिपोर्ट में जो भी रिकॉर्ड है, मीन जैसे मेरा प्राइस है, वो ग्रेटर देन हो किससे, यहाँ से आपको ये अगर ये वाला फिल्टर यूज करना है तो ऐड फिल्टर, ठीक है, मैंने क्या बोला कि मेरा प्राइस जो है इक्वल या ग्रेटर देन हो जाए 3000 से, वो ही रिकॉर्ड मुझे दिखे, तो यहां से मैंने एक फिल्टर अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये देखो 3000 से ज्यादा का दिखा रहा, ठीक है। अब ये फिल्टर मुझे रिमूव करना है तो मैं यहां से क्या कर दूंगा, रिमूव फिल्टर, ठीक है। ये हमारा काम था कि फिल्टर को किस तरह से ओपन करना और किस तरह से फिल्टर पे काम करना आपको, ठीक है, ये था ओनली फिल्टर, फिल्टर का काम करने का तरीका। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट वन, हम चलते हैं यहां तक क्लियर हुआ। अब अगला फिल्टर चलता है, सेकंड फिल्टर आता है आपका क्रॉस फिल्टर। क्रॉस फिल्टर क्या होते हैं, क्रॉस फिल्टर में काम चलता है आपका विद एंड विद आउट। क्रॉस फिल्टर का मीन क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन करना है आपको दूसरे के साथ, विद मीन उसके साथ, विदाउट मीन उसके बिना, ठीक है। जैसे कि मुझे प्रोडक्ट डिटेल ही चाहिए, इसमें मेरे तीन चार ऑब्जेक्ट है, जैसे देखो कस्टमर डिटेल भी है, प्रोडक्ट डिटेल भी है, पर मुझे किसमें चाहिए, इसमें चाहिए, प्रोडक्ट डिटेल देखना है, तो मैं यहां से कस्टमर डिटेल को क्या करूंगा, विदाउट। तो इस चीज के लिए मेरा ये फिल्टर यूज होते हैं। थर्ड वन मेरे फिल्टर आते हैं, ये तो हो गया हमारे क्रॉस फिल्टर, ठीक है। रो लिमिट, रो लिमिट ये बताता है आपको, देखो रो लिमिट का काम ये होता है कि आपकी ये रो कितनी दिखाएगा, कि एक टेबल में कितने रिकॉर्ड आ गए। अगर मैं लिखता हूँ 1000 तो ये 1000 दिखाएगा, अगर मैं लिखता हूँ 5 तो ये 5 दिखाऊं, तो ये मैं यहां से इसका भी एक फिल्टर लगा सकता हूँ। और रो आपकी कैसी चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, जिस तरह से भी चाहिए आप यहां से चूज कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक हो गया मेरा सिंपल सा कि रिपोर्ट बनाने का प्रोसेस क्या होता है। आगे चलते हैं, आगे आपका टॉपिक आता है कि टेम्बलर रिपोर्ट क्या होती है, फर्स्ट वाली रिपोर्ट जो मैं आपको बता रहा हूं। टेम्बलर रिपोर्ट क्या होती है, सिंपल टेम्बलर रिपोर्ट कुछ नहीं होती, एक सिंपल रिपोर्ट होती है, बस उसका काम क्या होता है, वो टोटल और ग्रैंड टोटल निकालने के लिए ही यूज की जाती है, उस चीज को मैं कहता हूं टेम्बलर रिपोर्ट। टेम्बलर रिपोर्ट को चलाने के लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है यहां से, ये है राइट, ये है रिपोर्ट के फॉर्मेट, मैंने कौन सी ली, टेम्बलर रिपोर्ट, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, रन रिपोर्ट, रन रिपोर्ट मीन रिपोर्ट को चलाने के लिए। अब यहां से आपका आ गया रिपोर्ट का, ठीक है। अब रिपोर्ट की समराइज मीन समराइज किस में करना है, मैंने बोल दिया प्राइस में करना है, ठीक है। अब रिपोर्ट की ये कुछ टाइप्स हैं, देखो यहां से आ गया मेरा रन रिपोर्ट और शेड्यूल फीचर रिटर्न। शेड्यूल में क्या होगा कि एक पर्टिकुलर डेट और टाइम के लिए आपको वो रिपोर्ट, मंथ, जैसे आप चाहते हैं कि मंथली रिपोर्ट चाहिए, आप चाहते हैं वीकली रिपोर्ट चाहिए, तो उसके लिए मुझे शेड्यूल पे जाना पड़ेगा, ठीक है। हिडन डिटेल से क्या होगा, ये सारी डिटेल हिडन हो जाएगी। कस्टमाइज से क्या होगा, ये दोबारा से उसी पेज पे पहुंच जाएगा कि आपको कुछ चेंजेस करनी है कि नहीं करनी है, ठीक है। सेव से क्या होगा, ये सेव करेगा। प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू ये दिखाएगा कि आपको प्रिंट प्रिंट लेना है। और एक्सपोर्ट डिटेल, एक्सपोर्ट मीन ये मेरे पास सारी डिटेल क्या हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी। अब मैंने यहां से सेव पे टिक किया, ठीक है। जैसे ही मैंने सेव पे टिक किया, इसका नाम रखा मैंने ए रिपोर्ट, ठीक है, आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम ले सकते हो। अब इसका फोल्डर मैंने यहां से कौन सा ले लिया, राजेश वाला, और यहां से ये सेव फोल्डर क्या कर दिया, सेव। ये बन गई मेरी फर्स्ट वाली कौन सी रिपोर्ट हुई, ये हुई फर्स्ट वाली अभी मैट्रिक्स रिपोर्ट, टेम्बलर रिपोर्ट। अब सेकंड वाली हम चलते हैं समरी रिपोर्ट, ठीक है।
अब हमारा सेकंड रिपोर्ट। सेकंड रिपोर्ट का काम क्या होता है, देखो समरी रिपोर्ट क्या होती है। समरी रिपोर्ट होती है जो हमारे समराइज करती है डाटा को, किसके बेस पे, रो के बेस पे। ठीक है, इसका काम क्या होता है, जैसे कि मान लो मारुति सुजुकी होता है। ठीक है, मारुति सुजुकी की कितनी सारी गाड़ियां हैं, जैसे 800 आ गई, ए स्टार आ गई, कोई भी गाड़ी आ गई। अब आपको 800 का ही एक रिकॉर्ड बनाना है, तो आप क्या करोगे, जो ग्रुप बनेगा वो ग्रुपिंग का रिपोर्ट जो बनेगी वो बनेगी किसमें, समरी रिपोर्ट के लिए। उस चीज के लिए हम समरी रिपोर्ट यूज करते हैं। अब समरी रिपोर्ट बनता कैसे है, देखिए समरी रिपोर्ट बनाने से पहले मैंने क्या किया, न्यू रिपोर्ट पे टिक कर दिया। जैसे ही मैंने न्यू रिपोर्ट पे टिक कर दिया, आपको क्या करना है, यहां से जाना है अदर पे टिक कर देना है। अदर पे टिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहां से नीचे आना है, आपको क्या ये समरी रिपोर्ट, चलो मैंने बोला मैंने बना दिया प्रोडक्ट डिटेल पे, एक ही ऑब्जेक्ट चूज किया, तो मैंने प्रोडक्ट डिटेल यहां से सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट करना है। ये करने के बाद आपको क्या करना है, अब यहां से आपको क्या क्या लेना है, प्राइस। ठीक है, जैसे कि मैंने बोल दिया प्राइस। ठीक है, प्राइस के बाद मैंने बोल दिया नंबर, टिक। अब यानी यहां से अगर ये देखो इसने बता दिया आपको ग्रैंड टोटल 13 है, अगर आपको इस चीज का टोटल भी चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो टोटल के लिए आपको यहां से जाना है, यहां से ये। ठीक है, ये आपको इसने सारा बता दिया कि कितने कितने प्राइस हुए, पेन कितने है मेरे पास, इतने, ये सारी डिटेल आ गई। अब इसी आपको किन से, अगर आप टेम्बलर रिपोर्ट बनाते हो, ठीक है, तो टेम्बलर रिपोर्ट में ग्रैंड टोटल तो आपका यहां से आ जाता है, ये यहां से। जैसे कि टोटल चाहिए, एवरेज चाहिए, मैक्सिमम मिनिमम मिनिमम जो भी आपको चाहिए, यहां से टिक किया, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, आ गया। अब यहां पे मैं आपको यूज करता हूँ समरी रिपोर्ट। समरी रिपोर्ट ही ये होती है, जैसे यहां से चूज किया, समरी रिपोर्ट आ गई। अब देखो समरी रिपोर्ट में ये रहा आपका समरी रिपोर्ट का डाटा। ठीक है, अब समरी रिपोर्ट को यूज करने से मैंने यहां से क्या कर दिया, बस सेव कर दिया। ठीक है, सेव करने के बाद आपको क्या करना है, यहां से इसका नाम रख देना है। ठीक है, नाम समरी रिपोर्ट के लिए मैंने क्या बोल दिया, प्राइस को रिपोर्ट करें। ठीक है, उसके बाद सेव है, यहां से इसे सेव कर देना, तो इसे कर देना बी रिपोर्ट। मीन फर्स्ट वाली हो गई आपकी टेम्बलर रिपोर्ट, सेकंड वाली आपकी हो गई समरी रिपोर्ट, और यहां से मैंने सेव किया, और आपने यहां से इसे सेव कर देना। सेव करने के बाद यहां से आपकी दो रिपोर्ट क्रिएट हो गई, ए एंड बी। अब थर्ड वन आपको क्रिएट करनी है, मैट्रिक्स रिपोर्ट। मैट्रिक्स रिपोर्ट होती क्या है, मैट्रिक्स रिपोर्ट का काम ये होता है, वो डाटा को रिप्रेजेंट करती है रो एंड कॉलम में। ठीक है, जैसे कि मैथमेटिक्स में भी आपने मैट्रिक्स पढ़ी होगी, तो मैट्रिक्स का काम ये होता है कि डाटा को किसमें, रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में दिखाना। अब देन हम मैट्रिक्स रिपोर्ट पे काम करेंगे, तो यहां से टिक कर दिया, देन मैंने यहां से क्या किया, क्रिएट कर दिया। क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है, इसके बाद अब आपको यहां से इसकी प्राइस चाहिए आपका। ठीक है, प्राइस मैंने यहां से उठाया, और यहां से ड्रैग एंड ड्रॉप का काम होगा, प्राइस आ गया, नंबर आ गया। ठीक है, ये तीनों चीज। अब आपको मैट्रिक्स रिपोर्ट करनी है, तो यहां से जाना है मैट्रिक्स। जैसे आप मैट्रिक्स रिपोर्ट पे टिक कर देते हो, तो ये क्या करेगा, रो एंड कॉलम वाइज इसकी ग्रुपिंग कर देगा। रो एंड कॉलम वाइज ग्रुपिंग मीन एक साइड इस साइड भी टोटल करता रहेगा, दोनों साइड में टोटल करके आपको बता देगा 13 ये कोड है। ठीक है, अब इसे मैंने क्या किया, रन रिपोर्ट करने के बाद इसे भी यहां से आप क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। मैट्रिक्स रिपोर्ट हमेशा काम करती है एक्स एंड वाई पे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जैसे कि आपने ग्राफ बनाया होगा, तो वो भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के थ्रू काम करता है, तो वैसे ये एक्स एक्सिस, ये हो गया आपकी वाई एक्सिस। यहां से मैंने क्या कर दिया, इसे सेव कर दिया, देन यहां तक हो गया। इसे किसको मैंने दे दिया, सी नाम, इसे भी मैंने दे दिया सी नाम, सी मीन थर्ड रिपोर्ट, और यहां से मेरा आ गया राजेश नाम से, इसको भी मैंने सेव कर लिया। ठीक है, इस तरह से मेरी तीन रिपोर्ट हो गई। ठीक है, अब आती है चौथी, ज्वाइन रिपोर्ट। ज्वाइन रिपोर्ट का काम होता है कि दो टेबल है, ठीक है, उन्हें जोड़ने का काम करेगा, तो वो कौन करेगा, ज्वाइन रिपोर्ट करेगा। ज्वाइन रिपोर्ट में हमेशा ही ब्लॉक ब्लॉक यूज होते हैं। ठीक है, एक ब्लॉक हो गया, इसमें मैक्सिमम आप 5 ब्लॉक यूज कर सकते हैं ज्वाइन रिपोर्ट में। ठीक है, ज्वाइन रिपोर्ट में आपका क्या है, पहले तो मैं आपको यहां से प्राइस ले लिया, ये ले लिया। ठीक है, ज्वाइन रिपोर्ट में कुछ नहीं होता, आपको यहां से क्या करना है, ज्वाइन। ठीक है, जैसे ज्वाइन रिपोर्ट पे टिक कर दिया। ठीक है, अब ज्वाइन रिपोर्ट पे ऐड रिपोर्ट टाइप, ऐड रिपोर्ट टाइप पे आपको किसके साथ कंपैरिजन करना है, जैसे अकाउंट के साथ करना है या किसी और दूसरे का यूज करना है, तो आप यहां से कोई भी ऑब्जेक्ट को चूज कर लोगे, तो ये क्या बन जाएगा, एक ब्लॉक बन जाएगा। जैसे कि मान लो कि मैंने कैंपेन में गया,
अपॉर्चुनिटी में गया या फिर मैंने यहाँ से ये चूज कर लिया है, ठीक है। अब मैंने यहाँ से ओके कर दिया, तो ठीक है ये क्या बन गया, मेरा वन ब्लॉक बन गया, ठीक है। इसमें क्या बनते हैं, ब्लॉक बनते हैं, ये आ गया मेरा सेकंड ब्लॉक। तो इस तरह का जो काम होता है वो क्या होता है, हमारा ज्वाइन रिपोर्ट काम करती है। देन फिर आपको क्या करना है, रन रिपोर्ट। रन रिपोर्ट करने के बाद आपको क्या आ जाता है, ऐसे ही सेव करना होता है, ठीक है। सेव करने के लिए मैंने क्या किया, सेव सेव यहाँ पे ऐसे डी टाइप का नाम दे दिया, ठीक है। और किस फोल्डर में सेव हो वो भी आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया कि राजस्थान के नाम से फोल्डर में सेव हो जाए, ठीक है। यहां तक हो गया कि मेरे रिपोर्ट, रिपोर्ट का काम क्या होता है, डाटा को इस तरह से एक टेबल के फॉर्मेट में रख लेना, ठीक है। अब उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है वो काम होता है आपका, वो काम करता है आपका, वो काम करेगा आपका डैशबोर्ड। डैशबोर्ड का जो काम होता है वो यही काम होता है कि कोई भी आपने जो रिपोर्ट बनाई है ना उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कौन करेगा, डैशबोर्ड करेगा, ठीक है। यहां तक था हमारा रिपोर्ट कि रिपोर्ट कैसे बनती है, ठीक है, कैसे काम करना है, ठीक है, रिपोर्ट पे किस तरह से हम काम करते हैं, ये ओनली फॉर रिपोर्ट के लिए, ठीक है। अब यहां से ये जो फोल्डर दिख रहे हैं, जो फोल्डर इस तरह का दिख रहा होगा आपको, ये सारे ही आपके रिपोर्ट के फोल्डर हैं, जिसके अंदर आपको इस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिख रही है, ये आपके हमेशा डैशबोर्ड का ही फोल्डर होता है, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि डैशबोर्ड क्या होता है, ठीक है, डैशबोर्ड के टाइप्स कितने तरह के होते हैं और किस किस तरह से हम डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू।